हमारे खेत में एक सुअर आ गया है, तो हम लोगों ने डंडा विंडा ले लिया है, दोस्तों ने सारे लोगों ने डंडा ले लिया है। अब हम लोग उसको मारने जा रहे हैं, तो देखते हैं हमारे फसल कितनी ख़राब कर रही है। मैं भी हेल्प कर रहा हूँ उन लोगों का, मैंने भी डंडा ले लिया है एकदम मजबूत, तो हम लोग देखते हैं। चलो 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 जल्दी। तो मेरे पीछे बहुत सारे मेरे दोस्त आ रहे। अरे क्या हुआ? तो अरे तो ये जो सरसों का खेत है इसी में घुसा हुआ है, तो हम लोग उसे ढूंढेंगे और देखेंगे कि हमारी फसल कितनी ख़राब की है। तो मैंने भी मजबूत डंडा ले लिया है, ये मेरा एक बड़ा भाई है, इसने भी डंडा ले लिया है मजबूत। कम से कम हम लोग 10-15 जन लोग हैं, तो हम लोग इसे चारों तरफ से घेरेंगे। चलो 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 चलो, ज़्यादा ही फसल ख़राब कर रहे हैं आजकल जानवर, और किसान बेचारे परेशान हैं। हाँ संभाल के आओ। अरे तो सारे लोग डंडा हाथ में अपना डंडा ले लेके जा रहे, काफ़ी गांव वाले बेचारे परेशान हैं। ये देखिए ये मेरे बड़े भाई साहब लगते हैं, ये भी हाथ में डंडा लिए हुए, काफ़ी मजबूत सुअर है। और ये बच्चे लोग तुम लोग किधर आ गए रे? अरे मार देगा तुम लोग, चलो घर पे। काफी गांव के लोग जमा हो गए। ज्यादा नीठा हो तो लठ लठ खा ले तू। हां तो हम लोग जानवरों को ढूंढ रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि जानवर निकल गया काफ़ी दूर, और यहाँ पे ओस गिरा हुआ है, तो ओस का इसने एक रास्ता बना कर रखा है। जैसे जैसे ये ओस का पानी गिर गया नीचे, तो इसके वजह से ऐसा लग रहा है कि ये जानवर ऐसे ही सीधा भागा हुआ है। तो हम लोग उसे अभी सर्च करेंगे, ढूँढेंगे कि वो कहाँ पर है, और उसने काफ़ी लोगों का फसल ख़राब करके रखा हुआ है। तो ये जानवर का कुछ फुटप्रिंट है, तो इसे ढूंढने की कोशिश कर ले सब लोग। तो वहाँ पर सब डंडा विंडा लेके लोग खड़े हुए, आई होप कि वो मिल जाए, पर अच्छा भी नहीं लग रहा यार कि वो मिल जाए और लोग उसे मार दे। पर क्या करे, किसानों का बेचारा किसान इतने मेहनत से अपनी फसल करता है, और ये जानवर उस फसल को मिनटों में ख़राब कर देते, तो इसलिए किसान बेचारे परेशान रहते, और इसी की वजह से वो कुछ कड़े कदम उठाने पड़ते उन लोगों को। तो जहाँ तक होता है कि किसान भगाने की कोशिश करते, पर कुछ कुछ ऐसे आक्रामक जानवर होते हैं कि लोगों पे हमला कर देते, और इसके वजह से पब्लिक को मारना पड़ता है। तो ये बता रहा है कि जानवर इसी रास्ते से हाँ इतना भागा है, और ये इशारे से बताता है, बेचारा टंकले से बोल नहीं सकता है, तो ये इशारे से बता रहा है कि जानवर इसी तरफ से आए हुए, और ये जो ओस का रास्ता बना हुआ है, तो ऐसे समझ में आ रहा है कि जानवर इसी तरफ से भागा है। और कुछ गांव के लोग वहां पर खड़े हुए दूर तक, और इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे, और ये भी डर लगा हुआ है कि कहीं वो मार ना दे लोगों को। बहुत ही जो सुअर होते हैं डुक्कर, वो बहुत ही आक्रामक होते हैं, और उनके आगे की तरफ दांत भी होते हैं, तो बहुत ही केयरफुली उसे पकड़ना पड़ेगा, या तो भगाना पड़ेगा, नहीं तो लोगों को इंजर्ड कर सकता है वो। तो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे और भगाने की भी कोशिश कर रहे। काफ़ी फसल ख़राब कर देते हैं किसानों की। तो वहाँ दूर दूर तक कुछ दोस्त लोग उसे ढूंढ रहे और भगाने की कोशिश कर रहे, और ये चारों तरफ किसानों की फसल लगी हुई है, और यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं गांव के लोग। ऐसा लगता है कि
और जानवर भाग गए तो थोड़ा सा लोगों को राहत है। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे घर पे जाने की, तो हम लोग निकलेंगे अब घर पे। तो अब चलो घर पे चलने का ना, काफ़ी ओस गिरा हुआ है इस खेत में। ये सब सारे गेहूं के खेत है और इस ओस से एकदम पूरा पानी 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 पानी, ये देखो पानी पूरा, ये देखो पूरा ओस से भीगा हुआ एकदम, ऐसा लग रहा है एकदम पूरा पानी हाथों में एकदम लग रहा है, इतना ओस गिरा हुआ है और सब बदन भीग गए, इतना ओस गिरा हुआ है। कहाँ से भागल हो? बाबा रहन फोन कर। तो दोस्तों जानवर लगता है निकल गए और गांव वाले थोड़े परेशान हैं, तो अब हम लोग जाते हैं घर पे क्योंकि अभी जानवर काफ़ी दूर निकल गए, अब मिलेगा नहीं। तो ये मेरे दोस्त लोग बाम्बू लेके तैयार है उसे मारने के लिए या भगाने के लिए। तो चलो चलते घर पे हम। तो फाइनली दोस्तों हम लोग ने जानवर को भगा दिया और अब सब गांव वाले अपने अपने घर पे जा रहे हैं। तो अच्छा हुआ जानवर भाग गया बेचारा, अब किसानों का फसल थोड़ा सेफ रहेगा। पर रात के समय बहुत जानवर आते हैं और उसी की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। तो किसानों ने मेरे हाथ में भी एक ये डंडा दे दिया और ये मेरा दोस्त चला गए भाई, गए भाई मिर्ची तोड़ रहा है। ये प्लांटर है, देखो ये देखो मिर्ची। तो अभी क्या होगा, अब